भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने सचिन तेंदुलकर के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उन्होंने वर्ष 2007 विश्व कप से पहले राहुल द्रविड़ की जगह सचिन को कप्तान बनाने की बात नहीं की थी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान चैपल वर्ष 2005 से 2007 तक टीम इंडिया के कोच रहे थे और वो राष्ट्रीय टीम के अभी तक के सबसे विवादास्पद कोच माने जाते हैं। चैपल ने सचिन के दावे को झूठा बताते हुए कहा, सचिन ने अपनी किताब में जो बातें कही हैं उसके बारे में मुझे पता चला है। मैं इस विवाद को हवा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने अपने समय में द्रविड़ को हटाकर सचिन को कप्तान बनाने की बात कभी नहीं कही थी। वहीं कई भारतीय खिलाड़ी भी सचिन के साथ आ खड़े हुए हैं। भारत के शीर्ष गेंदबाज जहीर खान ने खुलासा किया है कि ग्रेग चैपल ने 2005 में उनसे कहा था कि जब तक वो टीम के कोच हैं, तब तक ये तेज गेंदबाज कभी भारत के लिए नहीं खेल पाएगा और उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियाई कोच के कार्यकाल को भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे बुरा दौर कहा। इस बारे में हरभजन सिंह का कहना है कि ग्रेग चैपल का दौर भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे खराब समय था। देखिए, जो सचिन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्रेग चैपल एक ऐसे इंसान थे जिनके दो फेस थे। मीडिया के थ्रू, बड़े बड़े जो और ऑफिशियल्स थे उनके थ्रू उन्होंने मतलब इतना यकीन अपना बना लिया था कि वो जो है वो इंडिया की बेटरमेंट के लिए यहाँ चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ मतलब टीम में खिलाड़ी ऐसे हैं या कुछ बदलाव ऐसे होने चाहिए जो टीम को बेटर कर सके। तो वो सबको यही लग रहा था कि टीम की बेटरमेंट के लिए चीज़ें कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो है वो प्लेयर्स, क्योंकि हम लोग उस समय में उनको झेल रहे थे, हमें पता था वो क्या कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है। तो हमने काफ़ी बार कोशिश भी की इस बात को बताने के लिए, पर ये है कि सुनवाई हुई पर थोड़ी लेट से हुई। अगर पहले हो जाती तो शायद रिजल्ट्स जो हैं 2007 के वर्ल्ड कप के बेटर हो सकते थे। वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का कहना है कि अगर चैपल के कार्यकाल के दौरान इस तरह की परेशानियां थीं, तो उन्हें तभी क्यों नहीं सामने लाया गया। ये तो हम सबों को मालूम था कि ग्रेग चैपल के समय में बड़ी समस्या थी टीम के अंदर, गड़बड़ियां थी, अंदर से इन्फॉर्मेशन मिलती थी, पता लगता था, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता था। केवल मेरा एक प्रश्न है सचिन से कि यह उनको उसी समय पकड़ के रोक देना चाहिए था। संभवतः हो सकता है कि टीम के इंटरेस्ट में उन्होंने ऐसा नहीं किया हो, लेकिन यह चीज उसी समय खुलनी चाहिए थी, क्योंकि यह भारतीय टीम को लेकर के बात थी और भारत का उस समय परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था। गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में चैपल को रिंग मास्टर करार दिया है, जिसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।